हाय बेस्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल मैं बहुत ज़्यादा घूम रही थी और ठंडी आने वाली है तो टैनिंग तो हो रखी है, उसी के साथ साथ काफ़ी मेरी स्किन पे हेयर भी आ गए हैं। मेरा फेस पूरा ना बालों से भर गया था ना। आई वाज लाइक कि नो, अब मुझे सेल्फ केयर तो करना ही पड़ेगा। एंड ठंडियों से पहले तो इम्पॉर्टेंट है टू टेक केयर ऑफ द ड्राई स्किन दैट वॉज कॉज्ड बाय सन एंड हमारा प्यारा सा वेदर, राइट। तो सबसे पहले मैं फेस पे अच्छे से फेस वॉश करने के बाद पाउडर लगाती हूँ। आई नो अजीब सा लग रहा है, बट देन आई एपिलेटेड एवरीथिंग बिकॉज आई वॉन्टेड इट टू स्टे फॉर लॉन्ग। क्या होता है जब आप जैसे हेयर शेव कर लेते हो ना तो ज़्यादा दिन उतना टिकते नहीं है, बट एपिलेटर से हो जाता है। बट शेविंग हो या फिर एपिलेटिंग हो, एंटी बैक्टीरियल चीज़ें लगाना इंपॉर्टेंट है, कूलिंग चीज़ें लगाना इंपॉर्टेंट है। तो मैं पता है मैं टोनर लगा के रखती हूँ, ये टोनर पैचेस बना के फेस पे अच्छे से, सो दैट मेरा फेस रेड ना हो और उसके ऊपर पिंपल ना आए। हल्का सा रेडनेस जो होती है वो भी गायब हो जाती है। एंड अब मैं रेडी हो गई हूँ फॉर अनदर स्किन केयर रूटीन, यस। क्योंकि मैंने 3 दिन पहले कोई एक ऐसा अच्छा सा खाया था कुछ तो भी, उसकी वजह से मेरा रिएक्शन हो गया था एंड दिस इज़ हाउ माई स्किन लुक्ड। आई वॉज सो टेरिफाइड, माई लिप्स लुक एट दोस, काले हो गए थे। अब मैं शेव करूँगी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इट्स रियली नॉर्मल टू हैव भालू वाले हेयर, ओके। तो पता नहीं क्यों मैं भी सोचती थी कि यार हेयरलेस होती है लड़कियां हमेशा, नहीं भाई भालू हूँ मैं। और इसलिए मैं बहुत मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश जो अभी रिसेंटली मैंने लिया था वो वाला अपने बॉडी पे यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश से क्या होता है कि मेरी स्किन है ना फ्लेकी फ्लेकी सी नहीं लगती, स्मूथ शेव होता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, हमें एक अच्छा सा शेवर यूज़ करना चाहिए। ये न्यू वाला है, हर 2 बार बाद मैं चेंज कर देती हूँ एंड दिस इज़ हाउ आई शेव, ठीक है। इससे क्या होता है स्मूथ फिनिश भी आता है एंड उसके साथ साथ जो हेयर है वो बराबर हटते भी है। इसके बाद मैं थोड़ा सा डिप कर देती हूँ वाटर में एंड देन आई गो फॉर सेकेंड राउंड। हर एक शेव के बाद मैं 10 बार डिप करते रहती हूँ सो दैट मेरे स्किन पे है ना स्मूथ शेव हो। इससे पता नहीं मेरे बाल क्यों कम आने लग गए, बट व्हाटएवर, मेरे काफ़ी यहाँ पे कट्स पड़ जाते थे, बट अब मुझे पता चल गया है कि कैसे प्रॉपरली शेव करना है सो दैट कट्स ना पड़े। बहुत ज़्यादा खून निकलता था बट अब नहीं होगा। ठंडियों की वजह से रिसेंटली मेरी स्किन पे थोड़े ब्रेकआउट होने लग गए हैं क्योंकि मैंने मॉइस्चराइजर लगाना बंद कर दिया था एंड मेरी स्किन पूरी डेड डल हो गई है, जो कि हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें अच्छी स्किन चाहिए, दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि चलो बैक टू माई रूटीन। एंड आई ट्राई माई फेवरेट 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 द डर्मा कोका 10% वाइटमिन सी सीरम। मेरा बहुत प्यारा सीरम है यार ये, इसमें 5% नाइसिनमाइड वाइटमिन सी सीरम है, हाइलुरोनिक एसिड है जो कि मेरी स्किन को बहुत अच्छा बना देता है। लाइक 2-3 drops एंटायर फेस पे लगाओ एंड आई गो क्रेजी विथ इट बिकॉज बहुत सही लगता है, स्किन पे ग्लो लाता है, अच्छा लाइटन करता है स्किन को, डार्क स्पॉट्स हटाता है एंड 1 week के अंदर आपको डार्क स्पॉट्स हटे हुए दिखेंगे, मतलब हटे हुए इन द सेंस फेडेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एंड सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, ये स्किन को है ना बहुत ज़्यादा ग्लोई बना देता है विच इज़ नीडेड मेरे लिए, तो ऑब्वियस ही बात है अगर आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही तो आप क्या कर रहे हो। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस है, द डर्मा को 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल लगाऊंगी मैं अब, जिसके अंदर SPF 50 है, P4+ फॉर्मुलेशन है भैया, इसके अंदर प्रोटेक्शन बहुत अच्छी देता है, फ्रेग्रेंस फ्री है, लाइट वेट है, इट डिजॉल्व्स इन वाटर और मेरे स्किन को काफ़ी अच्छा बना देता है। ये हाइलुरोनिक एसिड एंड वाइटामिन ई का जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी अच्छा है, हेल्प करता है फाइट करने से सन डैमेज जो मुझे हुआ था ना, तुम्हें पता है बहुत बेकार हुआ था, ब्राइटन करता है स्किन को एंड ऑल्सो लीड टू स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन। तुम देख लो मेरी स्किन कितनी अच्छी ग्लो कर रही है, राइट। इट्स सेइंग दैट थैंक यू आकांक्षा, थैंक यू फॉर सच अ रूटीन बिकॉज लिटरली जो प्लम्प आता है ना स्किन पे वो काफ़ी अच्छा है, तो इट्स रियली ग्रेट कॉम्बो टू ट्राई आउट। ऑल्सो देर आर इवन मोर टू लव अबाउट द डर्मा को, द डर्मा को हैज़ एम्पावर्ड 10,000+ यंग स्टूडेंट दिस ईयर थ्रू देयर यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। फॉर एवरी प्रोडक्ट यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प टू एजुकेट विद भूमि। ऑल्सो ऑल द डर्मा को प्रोडक्ट्स आर फ्रेग्रेंस फ्री, इंश्योरिंग अ जेंटल डिलाइटफुल एक्सपीरियंस फॉर योर स्किन। क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यूज माई कूपन कोड Alex2023 टू गेट 20% off on Dermaco website. On the total cart value, the Dermaco products are also available on Amazon, Flipkart and Nykaa. So shopping karo, apni skin ka khayal rakho and give yourself a nice self-care treatment.
रिसेंटली मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग करवाई थी एंड उसके बाद मैंने सोचा अब बहुत हो गया, मैं बोर हो गई हूँ इस चीज़ से, तो अब हम क्या करेंगे, हेयर कटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का। और आज मेरे अंदर जोश आ गया था कि नहीं यार, आज तो बाल काटेंगे, थोड़े छोटे करेंगे, स्टेप कट तो होनी चाहिए, बिकॉज मेरे बाल है ना बिल्कुल स्ट्रेट, एक भी कोई भी स्टेप नहीं थी। तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ अ टेक्निक जो मैं बचपन से यूज़ करती हूँ। इट्स रियली सिंपल। स्ट्रेट लाइन आपको तीन जगह से निकालनी है। फर्स्ट इज़ आपका जहाँ पे आप मांग निकालते हो ना, मैं भाई बहुत स्पेसिफिक नहीं हो सकती, बस मैं कैसे भी ये तीन पॉइंट मैंने पता है कि अच्छे ही रहेंगे। तो अब मैं अच्छे से पुल करूँगी एंड कोम करूँगी और इसे ऊपर खींचेंगे हम, ठीक है, एंड देन मैं कट कर दूँगी। बस बहुत 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 सिंपल है, बट इट्स सिंपल। एंड उसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेट कट भी करती हूँ मैं, बिकॉज मुझे पता है पीछे ऐसे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल किसी ने बस लिए है आ रही है और काट दिया है, वो वाला चीज़ नहीं। एंड सेकंड मैं अपने कान के पास से करती हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेट कट करूँगी एंड देन पिन पॉइंट कट करूँगी, ठीक है। और ये मैं बहुत पहले से कर रही हूँ तो मेरे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तुम्हारा मुझे नहीं पता, तुम भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं बोलूँगी पहले प्रोफेशनली देखो वीडियो बहुत सारी और प्रोफेशनली कट कराओ, देखो कि तुम्हारे फेस पे क्या सूट होता है क्या नहीं, उसके बाद ही कुछ करो। बिकॉज मैं बचपन से कर रही हूँ, बचपन इन द सेंस कि मैं 10th क्लास से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड नाउ आई एम 28, तो यस, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है कि मेरे फेस पे क्या बराबर लगेगा, ठीक है, एंड पीछे से स्ट्रेट कटेंगे या नहीं कटेंगे। एंड मुझे इस बार बैंग्स चाहिए थे बिकॉज बहुत टाइम हो गया, लाइक 1 साल हो गया मेरे फेस पे मैंने बैंग्स नहीं ट्राई किए हैं। एंड दिस इज़ हाउ आई कट माई हेयर। मैं जो कैची है ना उसको स्ट्रेट रखती हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि जो छोटे छोटे स्प्लिट एंड्स होते हैं ना वो पॉइंटेड कट से होते हैं, तो इसलिए मैं स्ट्रेट कट ही करती हूँ सो दैट मेरे बाल अच्छे से रहे, हेल्दी रहे, बिकॉज मैं बहुत चीज़ें ट्राई करती हूँ अपने बालों पर। एंड दिस इज़ हाउ आई डू अ लिटिल बिट फेदरी काइंड ऑफ इफेक्ट। अब ये टेक्निक क्या है, मैं थोड़ा आर्टिस्ट टाइप की बन जाती हूँ इसमें और ऐसे बाल काटती हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप पहले देखो आपके फेस पे कौन से फीचर्स आपको हाईलाइट करने हैं, उसके बाद आपको बहुत लाइट हाथ रखना है। अगर आपसे नहीं होता प्लीज़ 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 बाहर जाके कटवाइए, खुद मत करिए। मैं तो बहुत सालों से कर रही हूँ तो मुझे पता है, मैं फिर से बोल रही हूँ बहुत सालों से कर रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रेट अब पीछे से मैं आपको एक बार व्यू दिखाऊंगी, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम यू नो फ्रंट। मुझे बहुत दिन से चाहिए था थोड़ा सॉफ्टनेस लुक पे, एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू पार्ट इट, ओके। अब पीछे का व्यू मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्यों पीछे से अच्छा ना लगे, अच्छा नहीं लगे, राइट। एंड नाउ आई एम गोना यूज़ बकचॉयल ऑयल। अब क्या हुआ है, बाकुची ऑयल बोलते हैं वैसे तो इसको, हाँ बाकुची ऑयल, यस। तो इसे मैंने अपने पूरी बॉडी पे लगाती हूँ आजकल, क्यों, क्योंकि मेरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं और मैंने इससे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था। इसे खाली स्किन पे मत लगाना, ज़्यादा मत लगाना, बहुत कम लगाना बट अच्छे से, ठीक है। एंड देन आई नरिश्ड माई हेयर क्योंकि मैंने बाल धोए थे। कट के बाद हमेशा बाल धो, अच्छे से मास्क लगाओ थोप थोप के, एंड देन आई गो ऑन विथ द नाइस हेयर सीरम जो कि मेरे बालों को सूट करता है। कोई भी ले सकते हो बट ये वाला मेरे बालों को सूट करता है, दैट्स वाई आई अप्लाई दिस वन। एंड्स पे अच्छे से लगाती हूँ बिकॉज मुझे स्प्लिट एंड नहीं चाहिए, पहले मेरे बहुत स्प्लिट एंड होते थे एंड इस चीज़ को मैंने अब प्रिवेंट किया है बाय अप्लाइंग हेयर सीरम्स। अच्छे से मास्क लगाओ और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी खाओ। दिस इज़ बेसिकली अ प्लांट बेस्ड जो अच्छा सा कोलेजन आता है वो, हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है। देन क्यूटिकल का केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठंडी आ रही है यार, क्यूटिकल मैं काटती नहीं हूँ ज़्यादातर वैसे तो, बट अब मैं लगा रही हूँ कैस्टर ऑयल। यस, कैस्टर ऑयल या फिर घी लगा सकते हो, दोनों का मिक्स भी लगा सकते हो। देन आई ऑर्डर्ड पिज्ज़ा। यस, मुझे कैप्सिकम और अनियन वाला पसंद है, मुझे वैसे स्वीट कॉर्न भी पसंद है बट ये वाला है थोड़ा पीरियड्स में सही रहता है। और खाते खाते मैंने आई पैच लगा लिया था एंड अब मैं पी रही हूँ प्लिक्स का जो वाटर सॉल्यूबल जो ग्लूथोलिक एसिड वाला है ना वो वाला जूस। अरे वाह, बड़ा मज़ा आता है, मैडम मैं कभी कभी पीती हूँ। एंड देन ये मेरा टेक्निक था अपना वाटरमेलन खाने का। एंड मुझे थायराइड हो गए हैं तो ये मैंने मेथी दाना है या क्या, कौन सा दाना है यार मेरे को खुद याद नहीं, बट ये वाले मैंने
उबाल के चाय बनाने रख दी थी। एंड नेक्स्ट डे फिर से मैंने आई पैच लगाए, बिकॉज आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ 30 डे आई पैच चैलेंज, ठीक है। तो ऐसा है कि आई पैचेज लगाने से मेरी आँखों के जो डार्क सर्कल्स हैं ना काफ़ी कम हो गए, बिकॉज मेरे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, हल्की सी बीमार हो जाती हूँ ना तो मेरे डार्क सर्कल्स बहुत दिखने लग जाते हैं। दैट्स वाई आई पैचेज तो होना ही चाहिए। आई पैचेज लगाने के बाद मैं लगाऊंगी पिंपल ट्रीटमेंट, इट्स EHA BHA जेल, ये वाला है। मैंने बहुत लोगों को बोला है ये वाला मैं लगाती हूँ, बट फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में आता है कि कौन सा वाला लगाते हो। तो यस, अब उसके बाद मैंने चाय पी, अब नेक्स्ट डे मैंने पी थी, ठीक है। अब मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद आया था, बट समहाउ थायराइड हटाना है तो पीना पड़ेगा। एंड इसके बाद है ना बॉडी में काफ़ी हीट बढ़ गई थी एंड मेरा टमी का फैट भी काफ़ी लूज हो गया। तो यस, चाहे गंदा टेस्ट हो बट तभी भी मैं पीऊँगी, बिकॉज ये काफ़ी हेल्प कर रहा है। एंड देन आई डिड अ लिटिल मसाज, वॉलनट जो ऑयल है, असेंशियल ऑयल, असेंशियल भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत कंसनट्रेटेड ऑयल है ये वॉलनट का। उसके बाद मैंने अपने नेक को मसाज किया। वैसे तो ये एक अच्छी ब्यूटी ट्रीटमेंट है, पता है, आप अगर थायराइड ग्लैंड को थोड़ा सा मसाज करो ना तो आपकी बॉडी की ब्यूटी अच्छी हो जाएगी और ज़्यादा। तो मुझे तो थायराइड है पहले से, आजकल सबको हो रहा है, तो कोई नहीं, मैंने मसाज करना स्टार्ट कर दिया है आजकल, बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। उसके बाद मैंने एक अच्छी फुल मील ली, यस, ये मेरा फेवरेट वाला है, चिया सीड्स एंड सब मिला देती हूँ मैं इसके अंदर। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया फेस पे, ब्राज़ीलियन नट्स फिर से, एंड नेक्स्ट सुबह मैंने खाया किनोआ और चाय पी एंड आई रेड सम बुक। मुझे बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह धूप में बैठना। एंड उसके बाद मैंने ये छोटा सा पता नहीं क्या बनाया था बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कुछ भी वैसे ठंडियों में और एक प्रॉब्लम होती है डैंड्रफ की, उसके लिए पहले ही मैंने एक वीडियो बना के रख दी है, तो वो वीडियो मैंने यहाँ लिंक डाउन कर दी है, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो को। नेक्स्ट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू वोंट मिस एनी न्यू अपडेट्स ऑफ माई चैनल। लाइक करो मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है टू मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। मैं व्लॉग थोड़ा सा अभी अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, फिलहाल तो मैं 2-3 गोल्स थे वो सेट कर रही थी इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बट कोई बात नहीं, नाउ आई एम बैक ऑन इट।